नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मकर राशि वाले, आपकी जून महीने में लव रीडिंग कैसी रहने वाली, देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन के लिए आपके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं आप। मकर राशि वालों, मुझे यहाँ पर बहुत तगड़ा किसी से आपका फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और आप धीरे धीरे किसी की तरफ प्यार से बढ़ना चाहते हैं, उस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप उन्हीं के साथ बहुत कुछ आगे सोचते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। आप उनसे मैसेज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ी ऑब्सेशन की एनर्जी है क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने, यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने प्यार से थोड़ा फोकस हटाकर, लवर पर से फोकस हटाकर थोड़ा अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, कैरियर में कुछ विशेष करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। या आप में से कुछ लोग हैं जिनका रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, उस रिश्ते पर वर्क करके ठीक करना चाहते हैं। देखिए दो तीन तरह की एनर्जी यहाँ बताऊँगी मैं, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपकी कौन सी मिलती है वो आप लीजिए। अगर आपके साथ कोई पर्सन कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है और अगर आपको, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वही आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको लगता है कि जिस समय ये पॉजिटिव मूवमेंट आपके जीवन में आ रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे आपका ऑरा खूबसूरत है, वैसे अगला पर्सन भी खूबसूरत है, उसका ऑरा भी बड़ा खूबसूरत है, तो ये दोनों की मैचिंग आपको लग रही है, इसलिए आप और वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, खांसी हो रही है, तो अगर बीच में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। देखिए अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपकी फीलिंग क्या है, पर्सन के लिए देखी थी, हाँ अब मैं बताऊँगी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए यहाँ पर। तो आपके जो पर्सन है वो मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या कुछ उनका परिवार हो या आप हो या कुछ, तो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं दो चीज़ों को। उनको भी लगता है कि शायद आपके जीवन में कुछ और आ गया है जिसके लिए आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ कर रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से वो हर्ट दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आपने उनको धोखा दिया है, आप उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो आपको ऐसा लगने लगा क्या सच में आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो रहा है? तो यहाँ बहुत पैशन वाली एनर्जी उनके, वो ओपन होकर तो आपके सामने मैसेज नहीं करेंगे लेकिन आपके बारे में पता लगाते रहेंगे। उनको लग रहा है कि आपने एक इमोशनली दीवार खड़ी कर दी है अपने चारों तरफ, दोनों के बीच के रिश्ते में, और वापस इस सिचुएशन में आप आना ही नहीं चाहते, तो वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं, इस दीवार में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, आपको सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि पहले आपके रिश्ते में कभी गड़बड़ हुई है, उसमें आपने जो दीवार बनाई उससे बाहर निकलने में, यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी दिखती है कि आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते, तो उनको डर लगता है कि आप इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन उन्हें ठीक ही नहीं दिखाई दे रही है। दीवार का मतलब या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग उनको जगलिंग कर रहे हैं, उन पर बहुत सारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ जो यहाँ 30% है, लोगों के साथ थोड़ी सी रिकवरी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों का रिश्ता रिकवरी यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो भी सकता है कि थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर मैंने कहा कि मुझे लगता है 70-80% लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहा है, रिश्ता टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखूंगी अभी यहाँ पर आउटकम एनर्जी आपकी क्या है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के बीच में जैसा मैंने कहा 70%
आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल का एंड हो गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, सॉरी फंबल ज़्यादा हो रहा है, क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, गला ख़राब होने के बाद भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है, तो भी आप लोग आपस में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप जीवन में यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे पार्टनर हैं, वो भी शायद जब आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी ऐसी ही कुछ कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर आपकी एक्टिविटीज़ और चीज़ों से कुछ नए प्रशंसक पैदा हो सकते हैं, कुछ नए प्रपोज़ल आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही, मैंने जैसा कहा कि मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन में कोई अच्छी नई पॉजिटिव शुरुआत भी हो सकती है, आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट वाली वर्क कर सकती है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर चांस एक जीवन में दे सकते हैं चीज़ों को ठीक करने का। तो गाइडेंस ये उनकी तरफ से मिल रही है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्नों के सवाल नहीं मिल पा रहे थे जो आपके जीवन में परेशानी दे रहे थे, तो हो सकता है कि इस महीने में उनका जवाब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशेंस बनाकर चलें। जो 70% लोग हैं जिससे मैंने कहा ब्रेकअप होगा, अगर इस रिश्ते से निकलकर आपको खुशी मिलती है तो आपके लिए निकलना ही बेहतर है। अगर दोबारा आप इसमें जाना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, तो बातचीत कर लें, दिमाग में जो सवाल हैं उनको सही करने के लिए उनसे बातचीत करके सही कर लें। अगर कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन, जैसा ऊपर वाले ने कहा, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लें, सामने से बैठकर बात करें, ठीक है। अगर आपके जीवन में आप कुछ जगलिंग कर रहे थे, वो कुछ जगलिंग कर रहे थे, उन चीज़ों पर बात करके अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी, इसमें कई तरह की एनर्जी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आप पर्सनल सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और वो आपके जीवन में रहेंगे नहीं रहेंगे, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आप शादी वगैरह देख रहे हैं और आप कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग भी कराना चाहते हैं, तो आप कुंडली मिलवा भी सकते हैं, संपूर्ण कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, कॉल ज़्यादा ना करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं तो व्हाट्सअप करें, 9323135111। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अगर आप उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, कंप्रोमाइज़ करके दोबारा ठीक करना चाहते हैं ठीक कर लीजिए। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिले बहुत सारा, जून महीना बहुत अच्छा पॉजिटिव जाए। और देखिए, अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो एनर्जी वर्क करती है, तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, लाइफ में पॉजिटिव होगा। अगर आप निगेटिव होंगे, रोएंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो वैसी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें अपने को पॉजिटिव रखने के लिए, तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको दो हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, एक मॉर्निंग में कीजिए, एक रात में कर सकते हैं। चंद्रमा आपका मन होता है, मन चंचल होता है, अगर मन में ही समस्याएं हैं तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, तो आपके मन की हीलिंग करनी ज़रूरी होती है। तो नाइट में अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आप वीडियो चला के रखिए, आँख बंद करके बैठिए या लेट जाइए, सुनते रहिए, और जो मैं उसमें बोलती जा रही हूँ उसको सिर्फ फील करिए, आप अपने साथ अनुभव कीजिए, तो आपका हीलिंग मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा दिखेगा। फिर आपको कैसा लगता है मेडिटेशन करने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जाने से पहले फिर से कहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा दूसरा चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आशीर्वाद आपको मिले डिवाइन का, और मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।